भाई पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई, किस ऐसी चीज की नजर लग गई पाकिस्तानी टीम को कि उनके तमाम प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं, पाकिस्तान का हर प्लेयर, क्योंकि अब तक वो इतना अच्छा खेल रही थी और किसी की नजर लग गई और इस नजर लगने से सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। हारिस रऊफ आपका इंजर्ड हो गया, नसीम शाह आपका इंजर्ड हो गया, शाहीन शाह आफरीदी को भी बोल लगी, आज हमारे पास जो है वो अपना सलमान अली आगा को भी जो है वो उनकी ब्लीडिंग हुई, तो जो सबके सब जो हारिस रऊफ भी अभी इंजर्ड हो गया है। मुमकिन है कि हारिस रऊफ और जो है वो नसीम शाह शायद आगे इस एशिया कप को कंटिन्यू ना कर सके, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई टैलेंट की कमी है, आपके पास जो है वो बैटिंग के अंदर अगर साउथ शकील को लेके आते हैं, क्योंकि आज के मैच में आपने देखा कि पाकिस्तान की जो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो नहीं चल पाए, वो नहीं टिक पाए स्पिनर्स के अगेंस्ट, जिस गेम के लिए आप लेके आए थे साउथ शकील को आप उसको बैठा कर रखे हुए हैं, तो मैनेजमेंट जाहिर है इस बात पर भी गौर करेगी कि वो साउथ शकील को ले आए और उसको एक चांस देना चाहिए, और अब क्योंकि वो दो मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे बॉलर, तो हॉप के जो वसीम जूनियर को चांस मिले, तो ये सारे चांसेस भी खुल रहे हैं और पाकिस्तान को मजीद जो है ना स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए, तो ये सारी सिचुएशंस हैं। और मुझे वाकई में बुरा लगा सलमान अली आगा के बारे में कि उनको जो है वो स्वीप खेलने के चक्कर में वो उनको ब्लीडिंग हुई, केएल राहुल ने वहां पर एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया और उनको फौरी देखने के लिए वहां पर पहुंच गए, तो मगर ये है कि आपको मैच के दौरान चाहे वो स्पिन हो या फास्ट हो अपनी प्रिपरेशंस के लिए जो है वो आपको अपनी क्वेश्चंस के लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए ताकि इस तरह की इंजरीज से बचे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारी इंजरीज का शिकार है, वो किसी मजीद नई इंजरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ओवरऑल मैच जो है ना वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत नेपाल से भी बदतर तरीन जो है ना हमें मैच हराया भारत ने, क्योंकि नेपाल तो फिर भी अच्छा खेल गया इंडिया के खिलाफ, 48 ओवर जो है ना वो नेपाल खेल गया और 260 रन 230 रन जो है वो बना चुका है, वो 250 अबव जो है ना उन्होंने स्कोर किया इंडिया के खिलाफ 230, तो एक बड़ा मार्जिन रखता है, पाकिस्तान ने तो उसको भी पूरा नहीं किया और आउट हो गया ऑल टीम, दो इंजरीज का शिकार हुआ आखिर वो खेल नहीं पाए, तो एक सेटबैक था, बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था एज अ फैन, क्योंकि 2 दिन से हम इंतजार कर रहे थे मुसलसल के बारिश रुक जाए और हमें मैच देखने को मिल जाए, और जब मैच रिज्यूम होता है तो ऐसा मैच देखने को मिलता है कि तोबा दिल टूट जाता है, कम से कम जो सबसे जो पाकिस्तान की आज की मैच जो हारा है ना, मैच हारने का गम नहीं है, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि भाई उन्होंने जीतने की कोशिश ही नहीं की, इंटेंट ही नज़र नहीं आया वो कि वो जो है ना एग्रेसिव मोड में आके खेले, डिफेंसिव के चक्कर में सारा गेम जो है उन्होंने पलट दिया। खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंडिया, बहुत आपने अच्छा गेम खेला, वाकई तारीफ बनती है आपकी आज, और आप आज इसके मुस्ताहिक हैं, और केएल राहुल की वापसी भी बहुत बेहतरीन थी। खैर अगले बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस, पाकिस्तान भी अगले मैचेस को अच्छा करने की कोशिश करेगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।